6 सितंबर पाकिस्तान की तारीख का एक अहम तरीन दिन है। ये दिन हमें हमारी अफवाज की लाजवाब कुर्बानियों की याद दिलाता है। आज हम जिस आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं, इसका सेहरा बिलाशुबा हमारी बहादुर अफवाज को ही जाता है। हमारी अफवाज ने अपने से कई गुना ज़्यादा ताकतवर दुश्मन का भी जिगरी से मुकाबला किया और इसे हर महाज पर बदतरीन शिकस्त से दोचार किया। बरी हो या बहरी या फिजाइया, तमाम अफवाज ने सीसा पिलाई दीवार बनकर मादरे वतन का दिफा किया और अपनी जानों का नजराना देकर इसके चप्पे चप्पे की हिफाजत की। वही कौमें दुनिया में अपना वजूद बरकरार रखती हैं जो अपना मजबूत दिफा रखती हैं। पाकिस्तानी कौम ने भी 6 सितंबर 1965 की शब गैर एलानिया जंग का मुकाबला करके ये साबित कर दिया कि वो किसी भी जारियत का मुँह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। 6 सितंबर 1965 की शब हमसाया मुल्क ने रात की तारीखी पे पाकिस्तान पर हमला किया, लेकिन सरहदों के मुहाफिजों ने लाहौर के जमखाने में चाय पीने के दुश्मन के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। कौम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हो गई। पाक फजाइया के एमएम आलम जैसे बहादुर और जांबाज पायलट ने सगोदा के मकाम पर एक ही मिनट पे भारत के 5 जंगी तैयारों को धूल चटा दी, जो आज भी एक अजीम रिकॉर्ड के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पे दर्ज है। मेजर अजीज भट्टी की कयादत में पाक फौज के बहादुर जवानों ने दुश्मन के बढ़ते टैंकों के रस्ते में अपने जिस्मों की फसील खड़ी कर दी। वतन के इन गयूर जवानों ने अपने सीनों पर बारूद बांधकर 120 भारतीय टैंकों को दफन कर दिया। 17 रोज तक जारी रहने वाली इस जंग की गर्द बैठी तो भारत अपने सैकड़ों टैंकों और दर्जनों जंगी जहाज़ों से महरूम हो चुका था। इसके 5000 से जायद फौजी वासिले जहन्नुम हो चुके थे और इसका गरूर धूल चाट रहा था। हर तरफ पाक फौज के सुरखरुही के परचम लहरा रहे थे। इस सुनहरी तारीख का एक एक लफ्ज हमारे शहीदों के लहू से दरखशां हैं। ये अजीम दिन हमें शहीदों की कुर्बानियों, गाजियों की जुर्रत और अपने अजदाद की वफाओं की याद दिलाता है। इस मिट्टी का एक एक जर्रा उन शहीदों के खून के एक एक कतरे का मकरूज है, जिन आज़ाद फिजाओं में आज हम सांस ले रहे हैं। इसके एक एक झोंके में उनके मुकद्दस लहू की खुशबू गुंधी हुई है। दुश्मन ये याद रखे कि मुमलिकत पाकिस्तान का एक एक बच्चा अपने मादरे वतन से बे इंतहा, बे पाया और बेहद मोहब्बत करता है। जब भी घेरा तुझे जुल्मतों ने कभी, जब भी घेरा तुझे जुल्मतों ने कभी, मिशाले जान लिए हम मुकाबिल रहे। हमने मार कर तुझे सुरखुरु कर दिया, हमने मार कर तुझे सुरखुरु कर दिया, हम भी तेरे शहीदों में शामिल रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।